आजकल ENT की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ENT डिसऑर्डर जो कि नाक कान गले की बीमारियां होती हैं, ये बहुत ज्यादा हो रही हैं और ऐसी हो रही है कि ये ठीक भी नहीं होती हैं, कुछ समय बाद ये वापस हो जाती हैं। लोगों के मुझे लगता है जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ये कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी पड़ाव पे तंग नहीं करती, और इनकी मैनेजमेंट इतनी अनसेटिस्फैक्टरी है, कोई किसी का इलाज होता नहीं ढंग से, और जो इलाज होते भी हैं वो भी बहुत ऐसे हैं कि व्यक्ति उसको पसंद नहीं करता लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ता है। साइनसिस की ट्रीटमेंट जब करते हैं डॉक्टर, तो ये पेशेंट को सिखाने की बजाय कि आप नेचुरल ड्रेनेज कैसे कर सकते हो साइनसिस की, उसमें जो इकट्ठा हुआ मटेरियल है उसकी बजाय वो नकली मुरियां करने लगते हैं उसमें, तो नकली मुरी करके साइनसिस को ड्रेन करते हैं, तो वो भी एक बड़ी गलत किस्म की प्रैक्टिस है जिससे कोई फायदा नहीं होता। ये जो आजकल की मॉडर्न वीट है ये भी बहुत सोर्स है एलर्जीज की। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमर सिंह आजादी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी सभी दोस्तों को। आजकल ENT की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ENT डिसऑर्डर जो कि नाक कान गले की बीमारियां होती हैं, ये बहुत ज्यादा हो रही हैं और ऐसी हो रही है कि ये ठीक भी नहीं होती हैं, कुछ समय बाद ये वापस हो जाती हैं। तो ऐसे में आप हमें एक तो ये बताइए कि कौन सी बीमारियां होती हैं, कॉमन बीमारियां हैं ये। वंदना, बहुत बढ़िया आपने ये मुद्दा लिया है, क्योंकि एक ENT की समस्याएं इतनी ज्यादा हैं लोगों के, मुझे लगता है जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ये कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी पड़ाव पे तंग नहीं करती, बचपन से लेके बड़े होने तक ये तंग करती रहती हैं, और इनकी मैनेजमेंट इतनी अनसेटिस्फैक्टरी है, कोई किसी का इलाज होता नहीं ढंग से, और जो इलाज होते भी हैं वो भी बहुत ऐसे हैं कि व्यक्ति उसको पसंद नहीं करता लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ता है। उसमें ENT जैसे के नाम से स्पष्ट है, ईयर नोज थ्रोट। पहली बात तो हम सबको ये जानना जरूरी है कि ये एक्चुअली एक यूनिट है, देखने को तीन लगते हैं, ये कान अलग लगते हैं, नाक अलग लगता है और थ्रोट अलग लगता है, लेकिन अंदर से तीनों जुड़े हुए हैं। नाक भी वहीं खुलता है, थ्रोट तो है ही है वहां, थ्रोट जिसको जहां पे खुलता है, तो और कान भी वहीं जाके खुल जाते हैं, अंदर भी खुलते हैं, क्या इनका अंदर एक कनेक्शन होता है, इसको स्ट्रेचिंग ट्यूब बोलते हैं। और दूसरी बात, थ्रोट ये फूड का भी रास्ता है, ये सिर्फ हमारे नाक का ही रास्ता नहीं है, हमारे मुंह का भी रास्ता वही है, और मुंह से जब हम कुछ खाते हैं तो वो भी वहीं से गुजरता है, तो इसलिए ये पूरे का पूरा हमारी जो एंट्री है, पूरे हमारे अंदर शरीर के अंदर जो भी जाता है, चाहे वो हवा जाती है, चाहे पानी जाता है या चाहे फूड जाता है, सबका एंट्री पॉइंट वो है, वहीं पे नाक जाके पीछे खुलता है, वहीं पे कान भी अंदर खुलते हैं और थ्रोट वहां है ही है, तो इसलिए एंट्री होने की वजह से ये अक्सर ही किसी ना किसी प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं, ये ENT, तो ये ईयर नोज थ्रोट, जिसमें टॉन्सिल्स हम जानते हैं बहुत कि टॉन्सिल बड़े हो गए जी, अक्सर माँ बाप आएंगे कि जी टॉन्सिल बड़े हो गए, तो टॉन्सिल जिसको हम बोलते हैं, एक साइनसिस की प्रॉब्लम है कि जी हमारे ये साइनस नहीं ठीक होते, जुकाम पीछे गलता रहता है गले में, उसको क्योंकि नाक के आसपास में कुदरत नेचर ने एक एयर स्पेसेस बनाए हैं, यहां भी होते हैं कान के पीछे भी होते हैं, वो खाली जगह है, जैसे जैसे हम 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 कोई तबला लेते हैं, ढोल लेते हैं, तो उसके अंदर अगर हवा ना हो तो वो ढोल ढोल नहीं रहेगा, उसके लिए हवा होनी बहुत जरूरी है, तभी वो ढोल की आवाज देता है। तो इसी तरह से जब हम बोलते हैं तो जो ये हमारी आवाज बनती है, अगर वो हमारे गले के आसपास में, नाक के आसपास में वो खाली जगह ना हो हवा वाली, तो ये हमारी आवाज बड़ी अजीब होगी, बड़ी फनी लगेगी, तो ये आवाज को एक ब्यूटी देने के लिए वो एयर स्पेसेस जो है, जिसको हम साइनसेस बोलते हैं, तो वो काफी सारी खाली स्पेसेस होती हैं हमारे नाक के आसपास में, उसको हम साइनसेस बोलते हैं, वो सारी की सारी स्पेसेस नाक से जुड़ी होती है, वो नाक से अंदर, नाक के अंदर खुलती है वो, तो जब भी हमें कोई दिक्कत होती है, कोई जुकाम हुआ या कोई उसमें थोड़ी सी सोजिश हो गई या कोई हमें उसकी डस्ट फंस गई उसमें, तो वो बंद हो जाती है उनकी होल्स और उनमें वो कलेक्शन होने लगती है, उसको हम बोलते हैं साइनोसाइटस के साइनसिस हो गया। फिर आप लाल ये गला खराब होना, गले में खराश होती है, जब पीछे गले में खराश होती रहती है, तो ईयर जो है क्योंकि कान उसके जुड़ा हुआ है, तो कान में मान लीजिए कुछ इन्फेक्शन हो गई, कुछ सुनना बंद हो गया, तो कान के दो 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 कनेक्शन हैं, एक गले के अंदर है, एक हमारे जो कान दिखते हैं बाहर है, तो कान दोनों तरफ है, इधर से सुनने के अंदर जाती है आवाज, और अंदर से कनेक्शन है उसमें जो हवा का इक्विलिब्रियम है, यानी कि हमारे मिडिल ईयर में
हवा का प्रेशर जो बाहर प्रेशर है वही अंदर रहना चाहिए, अगर वो प्रेशर कम कम होगा या ज्यादा होगा तो वो भी डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए ये कॉमन कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें हम अगर सिम्टम्स की बात करें तो मान लीजिए पुराना जुकाम जिसको बोलते हैं हम, कई जुकाम रहता है हमेशा, गले में गिरता रहता है, गले में खराशी रहती है, छींकें आती रहती हैं थोड़ी थोड़ी, अभी छींकें आ गई कभी हट गई, और गले में दर्द रहता है, टॉन्सिल बड़े बड़े रहते हैं, दुखते रहते हैं, तो और कान में जो है वो दर्द होता रहता है। तो ये कॉमन कॉमन प्रॉब्लम जो होती है जो अक्सर लोगों को तंग करती रहती है, बचपन से शुरू हो जाती है ये। इसमें एक तो होती है अक्यूट जो जुकाम जिसको बोलते हैं, फ्लू बोलते हैं, उसको छोड़ दीजिए, उसकी बात अलग से हम कर चुके हैं, कर भी लेंगे फिर भी, लेकिन ये इसकी बात हम आज आज मुझे लगता है हमें करनी चाहिए, जो पुरानी हो जाती है तकलीफ, ठीक ही नहीं होती या बार बार होती रहती है, तो वो जो साइनसिस है, वो पुराना जुकाम, वो टॉन्सिल्स, वो नाक की हड्डी टेढ़ी है। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे जी डॉक्टर ने कहा आपके नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो ये कहीं ना कहीं वो जब ENT वालों के पास जाते हैं वो कहते हैं आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो वो नाक की हड्डी को सीधा करते हैं फिर डॉक्टर। तो ये कहीं कुछ 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 समस्याएं हैं जो जो होती हैं ईयर नोज थ्रोट की, ENT की। क्या बिना दवाई के भी ये बीमारियां ठीक की जा सकती हैं? बिना दवाई के ही ठीक होती हैं ये, दवाइयों से तो जब ये जाते हैं ना लोग ENT वालों के पास, वो बड़ी मिसमैनेजमेंट है। मुझे पर्सनली क्या, इसमें मेरा पर्सनल बड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ था, इसलिए मुझे ये शुरू से ही जब मैं प्लस टू में था, अभी तैयारी कर रहे थे मेडिकल कॉलेज में आने की, तो बड़ा प्रेशर था पढ़ाई का, बड़ी मन में धुन थी कि डॉक्टर बनना, तो पढ़ते बहुत थे और मेरा गला खराब रहने लगा, और मैं जब डॉक्टर के पास मुझे लेके गए तो उसने क्या किया, मेरी टॉन्सिल निकाल दी। वो टॉन्सिल निकालने का आज तक मैं खैमियाजा भुगत रहा हूँ, कभी भी उसके बाद मैं बहुत बढ़िया गाता था, जब मैं प्लस वन प्लस टू था तो मेरी आवाज बहुत अच्छी थी, तो मैं सिंगिंग बहुत बढ़िया करता था, तो लोग बहुत दोस्त बड़े पसंद करते थे उसको, तो जब मैंने टॉन्सिल निकाल दिया तो उसके बाद कभी भी मेरी आवाज वो आवाज कभी वापस नहीं आई। और आपने देखा होगा कि जब आपने बहुत बार किया वीडियोस में, मुझे बीच बीच में खांसी उठती है, वो क्यों उठती है, क्योंकि मेरे टॉन्सिल निकाले हुए हैं और मेरा गला जो है वो उसमें स्टेमिना जो है बोलने का वो स्टेमिना कम हो गया, मैं जब भी ज्यादा बोलता हूँ तो मेरी मेरे मेरे गले में कुछ ना कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है, बिकॉज मेरे टॉन्सिल निकले हुए हैं, तो वो जो सिस्टम है मेरा डैमेज हो गया, परमानेंटली डैमेज हो गया। तो मुझे इसलिए ये बात, ये चीज शुरू से बहुत प्रिय रही कि मैं इसके बारे में मुझे ये बहुत पछतावा रहा, बहुत रिपेंटेंस रही कि मैंने वो टॉन्सिल क्यों निकलवाया। और फिर मैंने जिंदगी में, मैं बच्चों का डॉक्टर रहा, तो मैंने जिंदगी में ये फैसला कर लिया बड़ा बड़ा कि टॉन्सिल निकालना जो बहुत बड़ा पाप है, बच्चों में अक्सर अक्सर बच्चों को लेकर जाते हैं तो डॉक्टर पहला बात ये करता है कि टॉन्सिल निकाल दो, तो मैंने अपनी जिंदगी में ये सोच लिया कि मैंने किसी बच्चे के टॉन्सिल निकलने नहीं देना, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है, कुदरत ने हमारे दरवाजे पे वो बहुत बड़ा एक सिस्टम खड़ा किया है टॉन्सिल का, दो बहुत बड़े फौजी खड़े किए हैं, तो उसको हम निकाल करके बहुत ही जिसको कहते हैं बिल्कुल ही बिना ना समझी की वजह से, एक रॉन्ग अंग समझ की वजह से निकाल के करते हैं। तो मैंने आज तक जिंदगी में सैकड़ों बच्चों को, हजारों बच्चों को ट्रीट किया और मैंने आज तक किसी एक भी बच्चे की टॉन्सिल नहीं होने दी, मैंने कभी कभी, और बच्चे को मैंने ठीक किया, मैंने वो डिटर्मिनेशन की कि मैंने बच्चों को बिना ऑपरेशन किए हुए, बिना टॉन्सिलेक्टमी किए हुए ठीक करना है, क्योंकि वो मेरी पर्सनल पेन थी, मुझे दिल से वो बहुत प्यारी थी। तो ये जो एक्सपीरियंस था मेरा, इससे मैंने बहुत सीखा और फिर मैंने जाना कि ये जो टॉन्सिल वाली प्रॉब्लम है, असल में टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती नहीं है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम एक्चुअली साइनसिस की प्रॉब्लम है, क्योंकि साइनसिस में जब भी वो सिक्रीशंस या इन्फेक्टेड मटेरियल जो है वो इकट्ठा हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, तो वो थोड़ा थोड़ा पीछे गिरता रहता है, जब वो पीछे टॉन्सिल के ऊपर गिरता है तो उसकी वजह से टॉन्सिल एनलार्ज होती है, क्योंकि उसको अपनी बॉडी को बचाने के लिए वो टॉन्सिल कुदरत बड़े करती है। अगर हम उस साइनसिस को हम ट्रीट कर दें, उसके अंदर जो इन्फेक्शन भरी हुई है वो जो एयर स्पेसिस में जिसको साइनसिस बोलते हैं, अगर वो ठीक कर दें तो टॉन्सिल ठीक हो जाते हैं। एक्चुअली टॉन्सिल जो है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी साइनसिस की इन्फेक्शन है। तो ये बात पेशेंट को कोई डॉक्टर नहीं बताता, पेशेंट को अगर टॉन्सिल निकाल देते हैं वो साइनसिस वहीं के वहीं रहते हैं, और बाद में क्या होता है वो सिक्रीशन फिर वहीं गिरती है, और फिर वहां क्या होता है एक टॉन्सिल की बजाय कुदरत वहां छोटे 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 50-100 टॉन्सिल बना लेती है, निके निके, उसको बोलते हैं ग्रैनुलर फ्रेंजाइटिस। टॉन्सिल तो दो बहुत बड़े सिपाही है, पहलवान है दो, उस पहलवान का काम पूरा करने के लिए वो छोटे छोटे पिद्दू से 50-60 उसको फौजी खड़े करने पड़ते हैं, वो साथ में प्रॉब्लम फिर वहीं के वहीं रहती है। तो ये कहीं ना कहीं
रॉन्ग ट्रीटमेंट होती है। ऐसे ही साइनसिस की ट्रीटमेंट जब करते हैं डॉक्टर तो ये पेशेंट को सिखाने की साइनसिस की ट्रीटमेंट जब करते हैं डॉक्टर तो ये पेशेंट को सिखाने की बजाय कि आप नेचुरल ड्रेनेज कैसे कर सकते हो साइनसिस की, उसमें जो इकट्ठा हुआ मटेरियल है उसकी बजाय वो नकली मुरिया करने लगते हैं उसमें, वो भी एक बड़ी गलत किस्म की प्रैक्टिस है जिससे कोई फायदा नहीं होता। और तीसरी जो सबसे गलत प्रैक्टिस जो है, नाक की हड्डी टेढ़ी है। आप अक्सर जाओगे या तो वो कहेंगे टॉन्सिल बड़े हुए हैं, या कहोगे अपने नाक का उसमें से नकली मोरी करवाओ, या तीसरा उसका बहुत बड़ा जो जो आम कहते हैं नाक की हड्डी टेढ़ी है उसको सीधी करवाओ। मैं ये बताना चाहता हूं आज के किसी भी व्यक्ति की नाक की हड्डी सीधी नहीं होती, बिल्कुल 100% वो बिल्कुल सेंटर में किसी की भी नहीं होती, सबकी हड्डी थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है। और इसमें से 100 बंदे को अगर वो कहते हैं आपके नाक की हड्डी टेढ़ी है तो उसमें एक या दो होंगे जो रियली जिनको सर्जरी की जरूरत होगी, जो जिसकी नाक की हड्डी बहुत ज्यादा टेढ़ी है, उसमें 95-96% वो लोग होंगे जिनकी नाक की हड्डी नॉर्मली टेढ़ी है, लेकिन उसको अगर उसके स्वेलिंग को सोजिश को अगर ठीक कर दें हम तो उसकी प्रॉब्लम हल हो जाती है, उसके नाक की हड्डी सीधी विधि करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैंने अक्सर देखा है कि जिन लोगों जो लोग नाक की हड्डी का ऑपरेशन करवा भी लेते हैं वो भी ठीक नहीं होते, वहीं के वहीं रहते हैं। इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है वंदना के जो ENT वाले करवाते हैं ऑपरेशन वो हमको जल्दी जल्दी नहीं करवाना, पहले सारे सारे रास्ते जो बाकी खुले हुए हैं जिसको हम होलिस्टिक हेल्थ बोलते हैं या जिसको हम अपने 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 बलबूते पे अपना इलाज करना, उसको कुछ भी नाम दे लो आप, होलिस्टिक हेल्थ तो है ही है, बढ़िया नाम है, लेकिन घरेलू उपचार कहते हैं वो भी कर लो या अपने आप जिसको ठीक करना तो वो हम करें। तो उसके बाद लास्ट अगर मान लीजिए आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसका घरेलू उपचार पॉसिबल नहीं है या प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ही बड़ी हुई है तो फिर लास्ट रिजॉर्ट आप सर्जरी करवा सकते हो। वो मुझे नहीं लगता 2-3-4% से ज्यादा लोगों को जरूरत पड़ेगी सर्जरी करवाने की या बहुत गंदी गंदी टॉक्सिक दवाइयां खाने की। तो उसके लिए हम जो बात करनी चाहिए हमको क्या करें ताकि कौन सी डाइट लेनी चाहिए ऐसी जिससे कि सारा कुछ ठीक रहे। हाँ तो उसमें 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 जो जो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है ये लगभग मैंने जैसे पहले बोला क्योंकि सिस्टम अंदर से एक है तो इसका इलाज अलग अलग नहीं है, चाहे वो गले की प्रॉब्लम है, चाहे वो टॉन्सिल्स है, चाहे वो साइनसिस की प्रॉब्लम है, या आपको कहा गया कि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, सबका सबकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ऐसी है कि अगर हम अपने नेजल पैसेजेस को या साइनसिस की ओपनिंग को अगर हेल्दी रखें तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप जो जो उसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए कि वो ये प्रॉब्लम मुझे अक्सर रहती है इसका रूट कॉज वही है, ये मेरी टॉन्सिल निकाल दी, तो जब भी मैं ज्यादा बोलता हूँ तो ये प्रॉब्लम मुझे आ जाती है। तो मुझे मुझे वो दिन याद आ जाता है जिस दिन उस डॉक्टर ने मुझे प्रॉपरली गाइड नहीं किया और मेरे टॉन्सिल निकाल के बाहर फेंक दिए, और उसके बाद मेरी जिंदगी में कभी भी मैं स्टूडेंट लीडर रहा, उसके बाद एम्प्लॉयज का लीडर रहा, तो मैंने कभी भी जब लाउड स्लोगन शाउटिंग करनी थी तो भी मेरी आवाज ठीक निकलती थी, तो मैं सारी उम्र का हैंडीकैप रहा। तो इसलिए मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये मुझे मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो एक लेसन सीखें कि ये टॉन्सिल वॉन्सिल निकालने वाला काम या ये जो नाक की हड्डी सीधे करवाने वाला काम ये कभी नहीं करना। तो ये जो हम गिनने जा रहे हैं आगे इसको फॉलो करना है प्रॉपरली, और इसको हम फॉलो करेंगे तो कोई कोई मैं आपको गारंटी देता हूँ के 95-98% चांसेस ये हैं कि आप उसी से ठीक हो जाएंगे। तो उसमें क्या करना है हमको, पहली बात तो हमको अपनी इम्यूनिटी ठीक करनी है, क्योंकि इम्यूनिटी अगर कम होगी तो आपका वो इन्फेक्शन टिकेगी क्रॉनिक साइनसिस की, क्रॉनिक इन्फेक्शन साइनसिस की। साइनसिस क्या है, वही जो एयर स्पेसेस है नाक के आसपास में वो एक बने हुए चैम्बर से बने हुए हैं, जब भी नाक सिक्रीशन उसमें चली जाती है या कोई डस्ट चली जाती है तो वो वहां पे इन्फेक्शन होती है, वहां पे पस लाइक मटेरियल बनता है जिसको बलगम बोलते हैं हम लोग, जो गले में भी गिरती है और नाक से भी आती है। तो उसको अगर हमको रोकना है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी साथ साथ ही उस इन्फेक्शन को डील करती रहे। तो दूसरा बात चाहिए हमें कि वो ड्रेन होते रहे, वो जो होल्स हैं छोटी छोटी होल्स जो नाक से कनेक्टेड है वो बंद ना हो, तो जब भी वो इन्फेक्शन होती है तो उसमें थोड़ी स्वेलिंग होती है, जहां भी इन्फेक्शन होती है थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है ना, मान लीजिए हमारे हमारे स्किन पे अगर थोड़ी सी फेंसी हो तो साथ में स्वेलिंग होती है, ऐसे ही नाक में भी जब भी हमारे वो थोड़ी सी इन्फेक्शन होगी तो वो जो साइनसिस के ओपनिंग है वो बंद हो जाते हैं। तो उसको खोलना कैसे है वो सीखेंगे हम लोग। तो पहली बात तो डाइट,
अगर हम हेल्दी डाइट खाएंगे, हेल्दी डाइट में हम बहुत बार कह चुके हैं हेल्दी डाइट वही है प्लांट बेस्ड होल फूड, प्लांट बेस्ड होल फूड यानी कि पौधों का बना हुआ खाना, होल फूड मतलब नेचर में जैसे आता है वैसे खाना। तो उसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि हम बहुत बार बात कर चुके हैं, प्लांट बेस्ड होल फूड का मतलब एनिमल फूड नहीं खाना। मैं बार बार वो रिपीट करता रहता हूं कि दूध अगर छुड़वा दो, दूध और दूध वाली चाय और मिठाइयां और पनीर अगर ये छुड़वा दिया जाए तो ज्यादातर लोगों का जुकाम ठीक हो जाता है, दमा ठीक हो जाता है, पेट की समस्याएं ठीक हो जाती हैं, क्योंकि जो दूध है या एनिमल फूड्स हैं ये बहुत बड़ा बीमार करने का हमारे सोर्स है हमारे लिए। तो ये एनिमल फूड हमको नहीं खाना, और हमको जो जो फूड खाना है प्लांट बेस्ड खाना है उसमें कच्चा खाना है, और कच्चा खाने के बाद फिर पका हुआ खाना है 50% से ज्यादा, आधे से ज्यादा कच्चा खाना है, फल खा के पका हुआ खाना, सलाद खा के पका हुआ खाना, इसे करके हमको उनका रूटीन बनाना जो हम डिटेल में बहुत बार बात कर चुके हैं। तो नंबर दो पे इसकी लोकल मैनेजमेंट क्या करनी है हमको, वो भी हमको डिस्कस करनी है, बहुत जरूरी। और उसमें साथ अगर अगर पहले उसकी कल मेडिसिनल प्लांट्स भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या जो हमारी इम्यूनिटी बढ़िया करने के लिए मेडिसिनल प्लांट्स बहुत बढ़िया है। उसमें बहुत बार हमने बात की गिलोया जैसे तुलसी है, या काढ़े हैं, काढ़े काढ़े काढ़ों की शक्ल में हम कुछ मेडिसिनल प्लांट्स ले सकते हैं, या मुंह में रखने वाली चीजें जो हमने बहुत बार डिस्कस की है तो वो कर सकते हैं। मान लीजिए काढ़े हम किसका पी सकते हैं, तुलसी का पी सकते हैं, गिलोय का पी सकते हैं, उसके बाद आपका वो जो मिक्स काढ़ा हम पीते हैं, जीरा अजवाइन और ये आपका सौंफ और काली मिर्ची लौंग छोटी इलायची ये मिक्स काढ़ा ये हम पी सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये भी हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत। और उसमें मुंह में रखने वाली चीजें जो मुंह में लौंग रखना, मुंह में लहसुन रखना, मुंह में छोटी इलायची रखना, ऑयल पुलिंग खोपे के तेल का 2-3 चम्मच यानी कि 15 ml बड़ा एक चम्मच और 3 छोटे चम्मच मुंह में रख के उसको वहीं घुमाते रहना जितना ज्यादा से ज्यादा घुमा सको और बाद में थूक देना। तो ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे मुंह की स्वेलिंग और इम्यूनिटी को बहुत बढ़िया बनाती है, और फूड के साथ मिलकर के मेडिसिनल प्लांट्स वो बहुत बढ़िया हमें इम्यूनिटी देते हैं। इसके साथ में जो लोकल कैसे हमारे नाक को और साइनसेस को खुला रखना है उसके लिए 3-4 चीजें करनी बहुत बढ़िया होती हैं। नंबर वन इज गार्गल्स। गार्गल्स जो पहले पहले इसके साथ एक इम्यूनिटी इंप्रूव करने वाली, और तीसरी चीज मैं भूलना फिर बाद में भूलना जाऊं, एक्सरसाइज एरोबिक एक्सरसाइजेस या योगा, ये भी बहुत बढ़िया है पुराना जुकाम ठीक करने के लिए, बहुत बढ़िया रोल है एरोबिक एक्सरसाइज का। कोई भी एक्सरसाइज आप 40 मिनट से लेके 1 घंटा जिसमें आपको सांस फूले, दौड़ लो, साइकिलिंग कर लो, रस्सी जो लड़कियां करती हैं हॉपिंग वो कर लो, या कोई भी गेम जिसमें आपको एरोबिक्स हो वो भी तीसरा। तो फूड, मेडिसिनल प्लांट्स और एक्सरसाइज, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वंडरफुल कॉम्बिनेशन है आपकी इम्यूनिटी के लिए। और लोकल की बात करें तो गार्गल्स में नमक और हल्दी, 1 ग्लास गर्म गर्म पानी, 1/4 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी, ये गार्गल्स अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है तो 2 बार भी कर सकते हैं, नहीं तो मॉर्निंग में गार्गल्स और रात को स्टीम भाफ लेनी है, प्लेन टैप वाटर की भाफ लेनी है हमको, और डिब्बे से लेनी है, डिब्बा आता है भाफ लेने वाला, आजकल बहुत सस्ता सा होता है, 150-200 रुपए का बढ़िया होता है। और भाफ लेने के लिए मैं एक बात वार्न कर दूं सबको, क्योंकि बहुत लोग भाफ ले नहीं पाते, उनको थोड़ी सी घबराहट होने लगती है, तो उसको उसके लिए मैंने जो सोचा कि घबराहट क्यों होती है, तो वो ज्यादातर लोग क्या करते हैं ऊपर से ऐसे कपड़ा लेते हैं पूरा भाफ लेते हुए, वो नहीं लेना, वो अगर ऐसे लोगे तो आपको क्या होगा, वो घबराहट होने लगेगी। तो क्या करना है, वो जो डिब्बा सा आपके सामने रख के उसके सामने बैठ जाना, उसके अराउंड कपड़ा ले लेना, आपके सिर को ऊपर से नंगा रखना है, तो फिर भाप भी आपकी तरफ आने लगेगी और आपको घबराहट भी नहीं होगी। तो भाप हमने लेनी है 10-15 मिनट भाप लेनी रात सोते हुए, तो रात को भाप और दिन में सुबह सुबह गार्गल्स। और तीसरी बात क्या करनी है हमको, सोते हुए नाक में कोई तीनों में से एक चीज डालनी है, एक तो सेलाइन नेजल ड्रॉप्स आते हैं, सेलाइन नेजल ड्रॉप्स, दूसरे वाले मन नहीं डालने ज्यादा क्योंकि वो हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, सेलाइन नेजल ड्रॉप्स रात को सोते हुए डाल लेने हैं, उसमें क्या होगा कि आपके जो नाक है अंदर से वो खुला रहेगा। 2 चीजें और हम ट्राई कर सकते हैं, वो है बादाम रोगन
या देसी घी, पर्टिकुलरली देसी गाय का देसी घी नाक में डालने में अगर आपका थोड़ा सा स्पेशल भी होता है क्योंकि वो कच्चा नहीं होना चाहिए, तो वो दो बूंद डालनी है। तीनों आप ट्राई कर लो, सेलाइन नेजल ड्रॉप्स, बादाम रोगन और जो जो ये घी है, तीनों में से जो आपको अच्छा लगे डाल लो। तीनों ऑप्शन हमारे पास ओपन है, तो तीनों के तीनों ऑप्शन हम जो, जो ट्राई कर सकते हैं। तो ये लोकल ट्रीटमेंट जो ये बहुत बढ़िया कारगर होती है नाक को खोलने के लिए, गले को साफ रखने के लिए। और उसके साथ जो जो खांसी के लिए हमको ले सकते हैं हम लोग, उसके लिए दो चीजें और याद रखनी है, काली मिर्ची और अदरक और मुलट्ठी। इसको अलग अलग ढंग से हम ले सकते हैं। काली मिर्ची को मुंह में भी रख सकते हैं, धीरे धीरे निबल कर सकते हैं, जैसे हमको हमने लौंग रखे थे या लहसुन रखा या लच्ची रखी, इसी तरह काली मिर्ची भी रख सकते हैं। मुलट्ठी को भी मुंह में रख सकते हैं, मुलट्ठी भी बहुत बढ़िया वो सिक्रेशन को, जो बहुत स्टिकी सी सिक्रेशन होती है उसको लिक्विफाई कर देती है और बहुत बढ़िया उसका 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 इफेक्ट आता है। तो इस तरह हम लोग अगर अगर ये करेंगे सारा कॉम्बिनेशन, तो मुझे लगता है कि मैं इस ट्रीटमेंट में मैंने सैकड़ों हजारों लोगों को किया और मैं कभी फेल नहीं हुआ, कभी फेल। इसके साथ जुड़ा हुआ थोड़ा सा और मसला साथ में ले लेते हैं, वो है एलर्जीज का। एलर्जी का सेपरेट भी करेंगे हम लोग, कभी कर सकते हैं, लेकिन एलर्जी का थोड़ा सा एलिमेंट इसलिए ले लेते हैं क्योंकि बहुत लोगों को ये जो इन्फेक्शन हो जाती है भाई, यही रुक जाती है, जो क्रॉनिक हो जाती है इन्फेक्शन, उसी से एलर्जी होने लगती है। तो वो जो एलर्जी होती है वो साथ जुड़ जाती है इसके और साथ में बहुत तंग करती है। वो जैसे हम ये बातें करेंगे वो एलर्जी भी ठीक हो जाती है ऑटोमेटिकली। और दूसरा एलर्जी भी ठीक होती है जब हम एनिमल फूड छोड़ देते हैं और साथ में वीट भी छोड़ दें, तो ये जो आजकल की मॉडर्न वीट है ये भी बहुत सोर्स है एलर्जीज की। तो साथ में गेहूं छोड़ना है और साथ में एनिमल फूड छोड़ना है, और जो अगर अगर मिलेट्स ले लें साथ में तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो कम से कम ये वीट छोड़ करके हम इसके साथ कोई और जो खा सकते हैं अनाज। मिलेट्स बहुत बढ़िया इसका अल्टरनेटिव अनाजों का, इसमें 5 मिलेट जो हम कहते हैं वो सबसे उत्तम है। नहीं तो मिलेट्स के में आप बाजरा खा सकते हो, रागी खा सकते हो, ज्वार है उसका आटा खा सकते हैं, तो वो अनाज अनाज में वो है। तो ये पूरे का पूरा जो पैकेज है होलिस्टिक हेल्थ का, ये बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स है इसके, और मैं कभी इसमें फेल नहीं हुआ, और 100% जो जो पेशेंट्स है ठीक होते हैं, और किसी को कोई कोई ना तो ना की हड्डी सीधी करवाने की जरूरत पड़ती है, ना उसको कभी साइनस में मोरी करवाने की जरूरत पड़ती है नकली, और ना उसको टॉन्सिल टॉन्सिलेक्टोमी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये कारगर ट्रीटमेंट है, और मेरी विनती है सबसे कि ईएनटी वालों के पास जाके ये सर्जरी करवाना और स्टीरॉयड खाना और गंदी गंदे एंटीबायोटिक खाना, इसको इससे इससे पहले वो ये वाला सारा ट्राई करें, इसको पूरा पूरा मौका दें, ताकि आप, मुझे लगता है कि आपका 99% ये सक्सेसफुल होगा। डॉक्टर आजाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हमें, हमें बताया कि घर में बिना दवाई के भी सारी चीजें ठीक की जा सकती है, अधिकतर बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सभी दोस्तों का। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।